वेलकम टू लर्न यू एंड मी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मल्टीपल वैल्यू वी लुकअप को एक ही सेल में कैसे लाते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर फिट लिखा है रिमार्क में। हमें जितने भी फिट स्टूडेंट है उसको एक ही सेल में लाना है फॉर्मूले के द्वारा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जतिन, मोहन और रकुल ही फिट है, तो जतिन, मोहन, रकुल को एक ही सेल में हमें लाना है। तो देखते हैं कौन से फॉर्मूला का यूज़ किया जा सकता है इसके लिए। इसके लिए मैं तीन मेथड का यूज़ करूँगा। फर्स्ट मेथड में एरे फॉर्मूला का यूज़ होगा, सेकंड मेथड में यूडीएफ का यूज़ होगा, यूज़ ए डिफाइंड फंक्शन, एंड थर्ड मेथड में उससे थोड़ा यूडीएफ ही यूज़ होगा पर उसे थोड़ा एडवांस रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये टेक्स्ट जॉइन एक्सेल 2019 और उसके ऑनवर्ड और ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। अगर आप में आपका एक्सेल उसके नीचे के वर्जन का है तो ये फंक्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, पर फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मैं अगला यूडीएफ मेथड बताऊंगा, नेक्स्ट यूडीएफ मेथड, उसको आप एक्सेल के किसी भी वर्जन में अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट जॉइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेलिमिनेटर, डेलिमिनेटर मीन्स सेपरेटर। तो मैं सेपरेटर डैश डाल देता हूँ, उसके बाद में इग्नोर एम्प्टी सेल्स ट्रू लिखता हूँ, उसके बाद में एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इफ इफ रिमार्क, इसको फ्रीज कर देता हूँ F4 के द्वारा, रिमार्क इज इक्वल टू दिस सेल वैल्यू, देन तो स्टूडेंट को आउटपुट कराएं। इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 से, और फॉल्स केस में अगर नहीं मैच होता है तो कुछ भी ना दे, ब्लैंक। ओके, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टेक्स्ट जॉइन में हमारा ये डेलिमिटर हो गया, इग्नोर एम्प्टी ट्रू हो गया। इग्नोर एम्प्टी मीन्स इस केस में नथिंग होगा, ये वाला वैल्यू। और टेक्स्ट जो हो गया पूरा, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, पूरा ये फॉर्मूला, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये ऐसा इसलिए है कि हमें इसको एरे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। एरे फॉर्मूला के लिए F2 प्रेस कीजिए, एंटर की बजाय कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिट में जतिन, मोहन, रकुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट में जतिन, मोहन, रकुल है। ओके, आप इधर डैश की जगह कोई दूसरा भी डेलिमिनेटर डाल सकते हैं, जैसे कि आप कॉमा भी डाल सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, ठीक है, आप जस्ट इसको ड्रैग डाउन कर दीजिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इंजर्ड में आ रहे हैं क्षमा, प्रकाश, प्रीति। सो कुछ इस तरह आप फॉर्मूले, एरे फॉर्मूला के द्वारा आप मल्टीपल वैल्यू वी लुकअप को एक ही सेल में ला सकते हैं। ओके, या फिर आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि टेक्स्ट जॉइन इफ, टेक्स्ट जॉइन विथ क्राइटेरिया। ओके, यहाँ पर आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि करली ब्रैकेट आ गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये करली ब्रैकेट है, एंड पे करली ब्रैकेट है, जो दर्शाता है कि ये फॉर्मूला एरे फॉर्मूला है। ओके, अगर मैं यहाँ पर जैसे कि कुछ कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं फिट डैश आई नहीं तो ब्लैंक आ गया। अगर यहाँ पर जेड में फिट डाल देता हूँ तो जेड भी आ जाएगा, देख सकते हैं आप, जैसा धीरे यहाँ पे देख सकते हैं जेड आ गया है। अभी थोड़ा इस फॉर्मूले की वर्किंग को समझ लेते हैं, ठीक है। F2 दबा के अगर मैं इस इफ पार्ट को, इफ वाले स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं F9 दबाता हूँ, मेरा फंक्शन F9 की काम नहीं करता कीबोर्ड का, इसके लिए मैं वर्चुअल की का यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन F9। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यह फॉर्मूला हमें जहाँ जहाँ पर भी फिट नहीं है वहाँ पर ब्लैंक दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं फातिमा जेट में ब्लैंक आ रहा है, और जहाँ जहाँ पर फिट है वहाँ पर हमें स्टूडेंट का नेम दे रहा है। ओके, तो ये हमारा जो है ना टेक्स्ट जॉइन का टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट जॉइन का टेक्स्ट होंगे। और जो हमने जो ट्रू किया है टेक्स्ट जॉइन में, जो ट्रू किया है इग्नोर एम्प्टी, ये फिर ब्लैंक, तो ये ब्लैंक ये सब है तो इसको इग्नोर कर देता है। केवल जो वैल्यूज रहते हैं ब्लैंक के अलावा उसको ही
ज्वाइन करता है, कॉन्केटनेट करता है। ओके सो कुछ कुछ इस तरह ये फॉर्मूला काम करता है। उसके बाद हम सेकेंड मेथड जिसमें UDF यूज़र डिफाइंड फार्मूला का यूज़ होगा उसका यूज़ करेंगे। इस UDF का यूज़ आप किसी भी एक्सेल वर्जन में कर सकते हैं। ओके बट ये जो टेक्स्ट जॉइन है यह 2019 या फिर उसके एडवांस या फिर इससे ज़्यादा एडवांस वर्जन पे अवेलेबल है। ओके यदि आपका एक्सेल वर्जन इस 2019 से कम है तो आप टेक्स्ट जॉइन यूज़ नहीं कर सकते। ओके यह अवेलेबल नहीं है। ओके बट ये जो UDF है आप किसी भी एक्सेल वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टेक्स जॉइन इफ वन करके पहले से ही एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन तैयार कर लिया है। इसको किस तरह से एक्सेल में यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्सेल में आप ऑल्ट प्लस F11 प्रेस करें जिससे VBA आपका VBA ID विंडो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाकर इंसर्ट टैब में जाकर इंसर्ट मॉड्यूल पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन स्टैंडर्ड मॉड्यूल में ही रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इसे एक्सेल सेल में यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मैं ये जो कोड है पूरा ये जो कोड है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। उसके बाद ये जो नया मॉड्यूल है इसको डबल क्लिक करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। ध्यान रहे कि आप अगर आप कोड को सेव करना चाहते हैं, VBA कोड को सेव करना चाहते हैं तो आपका एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट या तो मैक्रो वाला हो या फिर बाइनरी वाला हो, XLSM या फिर XLSB। ओके तो ये मेरा टेक्स्ट जॉइन इफ फंक्शन तैयार हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल वन में है। ओके इसको आप नाम भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। यहाँ पर देख सकते हैं मॉड्यूल वन में कोड लिखा गया है। ओके उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सेल पे आता हूँ, टेक्स्ट जॉइन। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला आ रहा है जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है टेक्स्ट जॉइन इफ आ रहा है। इसमें पहला पैरामीटर क्या है, इनपुट क्या है, किसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। हमें स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 के द्वारा। उसके बाद दूसरा कंडीशन आता है क्राइटेरिया रेंज मेरा ये है, रिमार्क को मैं चेक करना चाहता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करके फ्रीज कर देता हूँ F4 के द्वारा। उसके बाद इसके अंदर इस रिमार्क के अंदर जो भी सेल्स फिट है उसको चेक करें। ओके तो मैं ये सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट पैरामीटर मेरा जो है डेली मिनिटर, यहाँ पर मैं डैश दे देता हूँ डेली मिनिटर। अगर आप ब्लैंक रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डेली मिनिटर मैंने कॉमा रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट रेंज को ज्वाइन करे अगर रिमार्क रेंज में वैल्यू F11 में जो भी वैल्यू है उसके इक्वल हो और उसे हर वैल्यू को डैश से सेपरेट करें। ओके उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं फिट में जतिन मोहन रकुल है। अगर यहाँ पर मैं फिट से कुछ डैश लगा देता हूँ तो दो ही वैल्यू आएंगे, देख सकते हैं जतिन मोहन। ओके इसको फिर से कर देता हूँ फिट। ओके इसको जस्ट ड्रैग डाउन करना है आपको। ओके जैसे आप देख सकते हैं ओवरवेट में जेड सचिन सोहन है, ओवरवेट जेड सचिन सोहन। ओके यहाँ पर मैं अगर मैं फिट कर देता हूँ तो देख सकते हैं इधर दो ही वैल्यू आ गया है और फिट में चार वैल्यूज आ गए। ओके सेपरेटेड बाय डैश। ओके मैं फिर से अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लास्ट पैरामीटर लास्ट इनपुट में अगर ब्लैंक रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो सेपरेटर रखा है वो कॉमा में रखा है। ओके इस फंक्शन को आप कोई भी एक्सेल वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, बस कोड को कॉपी कीजिए, मॉड्यूल में पेस्ट कीजिए, उसके बाद सेव कीजिए, उसके बाद आप इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए तैयार हैं। टेक्स्ट जॉइन इफ़ वन। उसके बाद में एडवांस UDF का यूज़ करूँगा। ओके यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट जॉइन इफ़ टू, ये एडवांस यूज़र डिफाइंड फंक्शन है फंक्शन का नेम है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Alt F11 करके VBA ID ओपन करता हूँ।
इसको मैं मॉड्यूल वन में ही नीचे पेस्ट कर सकता हूँ, पर मैं इसके लिए अलग से एक मॉड्यूल क्रिएट करूँगा। इंसर्ट मॉड्यूल, यहाँ आप राइट क्लिक करके भी मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल टू आ गया हमारा। इसको मैं इसमें मैं अपना कोड पेस्ट कर दूंगा, टेक जॉइन इफ टू, ये थोड़ा एडवांस है। उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट जॉइन, यहाँ पे देख सकते हैं वन और टू दोनों अवेलेबल है, हमें टू यूज़ करना है। सबसे पहला जो इनपुट है हमारा जॉइन रेंज, हमको स्टूडेंट के रेंज को जॉइन करना है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया हमारा इनपुट, सेकंड इनपुट जो है हमारा रहेगा रिमार्क रेंज, हमें इस रेंज में टेस्टिंग करना है। ओके, इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ। इसके अंदर हमें जो करना है कौन सा इक्वालिटी का टेस्टिंग करना है, रिमार्क में अगर फिट वैल्यू पा जाता है तो स्टूडेंट नेम को ज्वाइन करे, रिस्पेक्टिव स्टूडेंट नेम को ज्वाइन करे। ओके, तो मैं पैरामीटर लिखता हूँ, हमें ज्वाइन ऑपरेशन हमें इक्वल टू परफॉर्म करना है, इक्वल टू कौन से वैल्यू, फिट वैल्यू। उसको लास्ट पैरामीटर जो है सेपरेटर है, मैं डैश दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप ये नहीं लिखते हैं, केवल फर्स्ट पैरामीटर ही इनपुट करते हैं तो सीधा ये ज्वाइन कर देगा, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा पूरा ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। यहाँ पर भी अगर आप पैरामीटर नहीं लिखते हैं तो ये केवल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहला पैरामीटर जो ज्वाइन रेंज है उसको सिलेक्ट करना है, सेकेंड जो क्राइटेरिया रेंज है उसको सिलेक्ट करना है, थर्ड जो है कौन सा हम लोग इक्वल टेस्ट करना चाहते हैं, कंपेरिजन कौन सा करना चाहते हैं, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, फोर्थ जो है हमारा इक्वल टू जो भी मतलब कंपेरिजन करना है कौन से वैल्यू को इक्वल होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ जो है हमारा डेलिमिनेटर है, मतलब सेपरेटर, वैल्यूज किससे सेपरेट होंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू रखता हूँ तो देखिए क्या होता है। नॉट इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हैं, नॉट इक्वल टू फिट, नॉट इक्वल टू फिट में फातिमा जेड है, फातिमा जेड। उसके बाद जतिन नहीं आया, सीधा क्षमा आ गया। उसके बाद सीधा प्रकाश, प्रीति, सचिन, सोहन, उसके बाद सनी, तृप्ति। सो ये नॉट इक्वल टू हो गया। अगर मैं टेक डाउन करता हूँ, नॉट इक्वल टू फिट, नॉट इक्वल टू इंजर्ड, नॉट इक्वल टू ओवर वेट, नॉट इक्वल टू अंडर वेट। ओके, देख सकते हैं इस फॉर्मूला में केवल इक्वल टू का ही यूज़ कर सकते थे। इस फॉर्मूला में हम इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, अभी इस फॉर्मूला में मैं क्या करता हूँ, हमारा जो क्राइटेरिया रेंजेस को थोड़ा चेंज करता हूँ। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज हो गया। ठीक है, अभी मैं ग्रेटर देन इधर मैं थोड़ा हार्ड वैल्यू लिख देता हूँ। लेट से ग्रेटर देन, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहीं आया क्योंकि हम टेस्ट को ग्रेटर देन नहीं बोल सकते। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ वन। ठीक है, वन लिख देता हूँ, ग्रेटर देन वन। अगर मैं इधर टू लिखता हूँ तो जैसा कि देख सकते हैं ग्रेटर देन वन, टू, टू इज़ ग्रेटर देन वन, तो इसका रिस्पेक्टिव स्टूडेंट आ जा रहा है। अगर मैं इधर भी लिख देता हूँ थ्री तो सोहन आ जाएगा। ठीक है, सोहन, तृप्ति। यहाँ पर इस फॉर्मूला में देख सकते हैं कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू F18 मीन्स वन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन, रकुल, रकुल, सचिन, सोहन, सन्नी, तृप्ति। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू थ्री करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं केवल एक ही वैल्यू है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू थ्री, सोहन। ओके, टू करता हूँ तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू, यहाँ पर तृप्ति, सोन और तृप्ति। ओके, कुछ इस तरह ये एडवांस UDF काम करता है। यहाँ पर आप इस एडवांस UDF में आप ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि इस फॉर्मूला में केवल आप इक्वल टू का टेस्ट होता है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोड सैंपल UDF, इन दोनों UDF का कोड का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको क्लिक करके आप कोड को देख सकते हैं और अपने एक्सेल वर्कबुक में यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।